की रक्षा आपको खुद करनी होगी, अपने संस्कृति की रक्षा आपको खुद करनी होगी। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के, हथियार लेकर के, अरे भाई 50,000 के मोबाइल खरीद लेते हो, 1,00,000 के फोन खरीद लेते हो, तो कम से कम 1,000 रुपए की तलवार भी तो खरीद के रखना चाहिए। धरती पे मैं जब कल पुणे से आ रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि अरे आप बंगाल जा रही हैं, वो तो मिनी पाकिस्तान है। तो मैंने कहा मैं आपको वचन देती हूँ कि हिंदू जागरण के कार्यक्रम के बाद में कोई भी बंगाल को मिनी पाकिस्तान बोल नहीं पाएगा। और आपके ये भगवा ध्वज और आपके जय श्री राम के नारे ये बता रहे हैं, यहाँ की सरकार कितना भी हिंदुओं पे अत्याचार कर ले, लेकिन आज हिंदू जाग गया है और अब दोबारा हिंदुओं पे कभी अत्याचार नहीं होगा। सुमन भाई साहब ने कहा कि हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, चींटियों को भी शक्कर के दाने देते हैं, मछलियों को भी आटे की गोलियां खिलाते हैं, हमारे यहाँ पहली रोटी गौ माता को दी जाती है, हमारे यहाँ सूर्य को अर्घ दिया जाता है, हमारे यहाँ चांद को देख करके माताएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, करवा चौथ का व्रत रखती है, हमारे घर में चांद को देखकर निर्जीव पशुओं की हत्या नहीं की जाती है, वहां पे 7,00,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को भारत से ही मार के निकाल दिया, तब किसी की छाती नहीं रोई, तब किसी को दुख नहीं हुआ, तब किसी को दर्द नहीं हुआ, वहां पे दुष्ट दुराचारी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बंगाल की छाती पे, यहाँ की सरकार की छाती पे सांप लगने लगता है कि रोहिंग्या को बुलाओ, इनको शरण दो, उनको शरण दो, क्यों? आज शहीद मीनार मैदान पे हम सभी खड़े हुए हैं, मुझे इतना गर्व हो रहा है इस धरती पे खड़े होकर के, ये वीरों की भूमि है, ये भारत माता के शेरों की भूमि है, और आज उन शेरों की धरती पे घुसपैठियों ने अपना आक्रमण अतिक्रमण कर लिया हो, आज जिस भारत भूमि में रह करके हम देश धर्म समाज की बातें कर रहे हैं, आज उसी बंगाल की धरती पे सरस्वती पूजा मनाने नहीं दी जा रही है, उस पे बैन लगाया जा रहा है, सरस्वती शिशु मंदिरों पे बैन लगाने की बातें की जा रही है, माता दुर्गा की सौम्य प्रतिमा की मांग की जाती है, कहा जाता है काम करो माता जी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी हो वैसी प्रतिमा लगाई जाए, वो अस्त्र शस्त्र वाली माता जी की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। अरे भैया ये बात तो समझो, माँ दुर्गा ने वो रूप तब धारण किया था जब उनको दुष्टों का विनाश करना था, और दुष्टों का विनाश करने के लिए हाथ नहीं जोड़ा जाता, हाथ में तलवार चली जाती है। आपको आप देखिए गंगा सागर के लिए आए हुए यात्री रोड पे लौटते हैं, फुटपाथ पे सो रहते हैं, यहाँ पे बड़ा सा हज हाउस बना करके रखा है, लेकिन गंगा सागर हाउस बनाने की मांग किसी ने की और ये सरकार मानती है? मैं इस मंच से जाती हूँ कि अगर आपने हज हाउस बना के रखा है तो बंगाल की धरती पे गंगा सागर हाउस भी बनना चाहिए और यात्रियों को सुविधा देनी चाहिए। गले में छुरी रख दो, एक ने कहा मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि पापियों के नाम अच्छे मन से नहीं लिए जाते। हाँ तो कहा गले में छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा एक बार अयोध्या में राम मंदिर बन जाने दे, एक बार अयोध्या में राम मंदिर बन जाने से भारत माता की जय, तो छोड़ तेरे मुंह से जय श्री राम भी बुलवाएंगे। हाँ तो मैं कंगन पहनती है, चूड़ियां पहनती है, सारे आभूषण बिल्कुल पहनिए, सब कुछ रखिए, लेकिन श्रृंगार में एक और चीज जोड़ लीजिए कि आपके हाथ में एक एक तलवार भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप माँ काली की बेटी है, आप माँ रानी लक्ष्मीबाई की वंश की परंपरा की बेटियां हैं। अगर किसी बहन ने एक भी लव जहादी का गला करके माँ भारती के चरणों में चढ़ा दिया तो दोबारा कोई लव जहादी आप उठा करके हमारी तरफ देखिए।